वेलकम टू अबाउट एवरीथिंग चैनल। हमारे मन में अक्सर ही यह सवाल आता है कि काश हम वर्तमान के जैसे ही अपने भूतकाल या भविष्य में भी जा सकते, काश हम जो जिंदगी जी लिए या जो जिंदगी जीने वाले हैं उसका अनुभव कर सके। यह तो कल्पना की उड़ान है, लेकिन क्या वाकई समय यात्रा संभव है? वैज्ञानिक तक मान चुके हैं बात। वैज्ञानिक चाहे आइंस्टीन हो या स्टीफन हॉकिंग्स, कोई भी समय यात्रा के सिद्धांत को खारिज नहीं करता है। हालांकि भूतकाल में यात्रा मुमकिन नहीं है, यह वैज्ञानिक भी कह चुके हैं। आइंस्टीन तो अपनी थ्योरी ग्रैंड फादर पैराडॉक्स की मदद से इसको समझा भी चुके हैं। वहीं वैज्ञानिक हॉकिंग्स भी इस बात से सहमत है, भविष्य में संभव है यात्रा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान भविष्य में यात्रा कर सकता है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इसके बारे में विस्तार से बात भी की है। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया भी है कि कैसे भविष्य में यात्रा हो सकती है। उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा यंत्र जो प्रकाश की गति से चलता हो आपको समय यात्रा करवा सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा यंत्र आने वाली कई सदियों तक इंसान के लिए एक सपना ही रहने वाला है? आए हम आपको बताते हैं भौतिक वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं। कैसे मिलेगी प्रकाश की गति? वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश की गति की बात करें तो यह करीब 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। वहीं जिस अधिकतम गति से हमारे यान सफर कर रहे हैं उनकी गति अब तक 1 सेकंड में 10 सेकंड 11 किलोमीटर ही हो सकी है। अगर हम हर साल अपने यानों की गति दोगुनी भी कर सके तब भी आने वाले 100 साल में हमारे यान 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति ही हासिल कर सकेंगे। यह गति प्रकाश की गति सामने कुछ नहीं है। अब जरा सोचिए 3 लाख प्रति सेकंड की गति हासिल करने में वैज्ञानिकों को कितनी सदियां लग जाएंगी। यह गति तो यान की होगी, आपकी नहीं। एक बात और है, वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे तैसे सदियों बाद हमने अगर प्रकाश गति हासिल भी कर ली तब भी वह गति यान की होगी, हमारी नहीं। हमको पहले यान को धीरे धीरे प्रकाश की गति तक लाना होगा। इस प्रक्रिया में ही सालों बीत जाएंगे। अगर हम अचानक ही प्रकाश की गति से सफर शुरू कर देते हैं तो अचानक वायुमंडल दब गति से हमारी मौत हो जाएगी। ऐसी और रोचक खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।